किसी भी महिला के खिलाफ इस तरीके से आप शीशा लेदर करोगे, वो भी जब वो आपकी सास हो, सिर्फ ये सज्जन अधिवक्ता है तो क्या कुछ भी बोलेंगे? पिटीशन में क्या लिखा है सर? दिस लॉयर हैज क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स, ये अंकित आप है क्या? यस, रियली शॉकिंग. यू हैव ब्रांडेड द पुलिस डिपार्टमेंट, एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट एज अ करप्ट डिपार्टमेंट. हाउ कैन यू डू दैट? मैं आपको डिफेमेशन का नोटिस नहीं दे सकता, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन अ नोटिस टू यू. हमारी वाइफ ने जो एप्लीकेंट नंबर 4 है सर, अंकित, हमारी वाइफ ने एक हमारे खिलाफ लिखित में शिकायत दी 498A, उस पर हमको नोटिस दिया गया. हम वहां थाने में उपस्थित हुए, थाने में उपस्थित हुए, और जब हमने अपनी बात वहां रखी थाने में, तो ऑन कैमरा हमारी वाइफ ने एडमिट किया कि ऐसी कोई भी घटना ना तो मेरे साथ हुई है, ना ही मेरे साथ कोई मारपीट हुई, ना ही कोई दान दहेज हमसे लिया गया. ये बात ऑन रिकॉर्ड कैमरे में कैद हुई, वहां पर मोबाइल में रिकॉर्ड भी हुआ. फिर उसके बाद सर, और उसके ये घटना पूरी घटित हुई सर, उसके पहले ही हमने एक अपनी वाइफ के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि ये 420 की हमने कंप्लेंट की थी कि बाय वे ऑफ फ्रॉड इन्होंने हमारी मैरिज कराई है. ये दोनों घटनाएं उसी समय उस कंप्लेंट से क्या हुआ, कोई एफआईआर हुई क्या? नहीं सर, एफआईआर नहीं हुई. नहीं, वो कंप्लेंट कौन सी है? ये सर वो है, सर पेज नंबर 52 से चालू होती है सर, अनेक्सर, अनेक्सर P1 सर. ये कब की आपने? ये सर मैंने 21 नवंबर 2023. आपकी शादी कब हुई थी सर? शादी मेरी की है 11/6/2023 जी, 11/6/2023 को. अच्छी बात है. मेरा जो निवेदन यहाँ पर है सर, वो ये है कि आप 149 पेज अगर देखेंगे सर, 149 जी सर, जो मैंने कंप्लेंट की थी, लिखित शिकायत जो मैंने दी थी, उस पे जो कार्रवाई हुई है वो 149 पे है सर. अनेक्सर, अनेक्सर P20 है सर, पेज 149, अनेक्सर P20 जी सर. उस पर सर बिना FIR दर्ज किए, बिना कोई आगे कार्रवाई किए हुए, तो आपने 420 का आरोप किस आधार पे लगाया है? हमने इस आधार पे लगाया था कि सर ये जो हमारी वाइफ है, ये मतलब हमको जो शादी हुई है, ये बोल के हुई थी कि वो ग्रेजुएट है और 12वीं क्लास प्रथम श्रेणी में पास है. नहीं नहीं है सर, पास नहीं. अरे ये आरोप ग्रेजुएट पे कहाँ आ गए आप यार, जबरदस्ती बढ़ाते चले जा रहे हो. 12वीं पास महिला से आपने शादी की थी, आपका स्वीकार स्वीकृति है. इसकी पत्नी ने शादी से पहले बताया था 12वीं की कक्षा प्रथम स्थान आई है, जब शादी के बाद पता चला हो तो 10वीं तक पढ़ी लिखी. बस ये नहीं, एक और ग्राउंड था उसमें, एक ग्राउंड ये था कि जो इनकी पूरी फैमिली है सर, एक्चुअली ये आई वुड से दैट ये खुद हमारी वाइफ ने एक्सेप्ट किया है कि ऑल द मतलब जो हमारी मदर इन लॉ है वो एक्चुअली वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है. अच्छी बात है. ये सब मैंने एलिगेशन लगाया, उस पर कार्रवाई की मैंने मांग करी. अच्छी बात है सर. विदाउट डेयरिंग एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR सर, ये पुलिस थाने ने, देखें आप तो आखिरी पैराग्राफ देखें सर, उन्होंने कहां लिखा है आपने अपनी मदर इन लॉ के खिलाफ? जी सर, अरे मैं कुछ नहीं कह रहा सर, टेक योर टाइम सर. सर
सर ये पेज नंबर 91 है सर, उस पे लिखा है पैरा 12 में। पेज नंबर 91 अनेक्सर अनेक्सर P9 सर। जी सर। जी 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 कहाँ लिखा कि वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व्ड है? मतलब ये उनका हमको जो हमारी वाइफ ने कहा। भाई साहब आप एलिगेशन लगा रहे हो, जरा अच्छे से लगा लो जी, और उसके बाद फिर अभी तो आपकी पिटीशन में इतने एलिगेशन आपने लगाए हैं जी, ये अब आपको कौन बचा रहा है मैं नहीं जानता। ये मैंने इसमें लिखा है कि आपने कहा लिखा है कि आपकी मदर इन लॉ इज इन्वॉल्वड इन प्रोस्टिट्यूशन व्हिच यू आर जस्ट अलेज्ड। व्हाट सॉरी सर, यू आर असैसिनेटिंग द कैरेक्टर ऑफ अ लेडी एंड यू आर सेइंग सॉरी? किसी भी महिला के खिलाफ इस तरीके से आप शीशा लेता करोगे, वो भी जब वो आपकी सास हो? सिर्फ ये सज्जन अधिवक्ता है तो क्या कुछ भी बोलेंगे? पिटीशन में क्या लिखा है सर? दिस लॉयर हैज क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स। ये अंकित आप है क्या? यस, रियली शॉकिंग। यू हैव ब्रांडेड द पुलिस डिपार्टमेंट, एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट एज अ करप्ट डिपार्टमेंट। हाउ कैन यू डू दैट? मैं आपको डिफेमेशन का नोटिस नहीं दे सकता, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन अ नोटिस टू यू। आइए पैराग्राफ 8 में, कितने साल की वकालत है सज्जन जी आपकी? चार और पांच साल। आप LLB कितने, आपने किस डिग्री में पास की थी? फर्स्ट सेकंड थर्ड? फर्स्ट। कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? 64% मार्क्स थे। अच्छी बात है। पैराग्राफ 8 में लिखिएगा, जिससे सिद्ध होता है जारी पत्र का भी पालन जिम्मेदार पुलिस अधिकारी अधिकारीगणों द्वारा नहीं किया गया, जिससे सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है। ये आपका आरोप है पिटीशन में एफिडेविट के ऊपर। नोटिस दे दूं आपको? आ जाइए आगे जी। पैराग्राफ 12, प्रथम दृष्टया ही सिद्ध होता है कि संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गण भ्रष्ट पुलिस अधिकारी गणों पर वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करने में लाचार व बेबस हैं। नोटिस दे दूं आपको इसका? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गण भ्रष्ट अधिकारी गणों पर वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करने में लाचार व बेबस हैं। इसका भी नोटिस दे दूं आपको? आप किसी भी विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक जनरल एलिगेशन एफिडेविट के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, इतना बता दीजिए। और अभी तो आपने अपनी सास के खिलाफ भी आरोप लगाए कि दैट शी इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोस्टिट्यूशन। अब उस पर भी आने वाला हूं मैं। या एक्चुअली वकालत का लाइसेंस मिल जाने से आप क्या, यू आर अबव द लॉ, यू कैन डू एनीथिंग?
हाउ कैन यू ब्रांड अ डिपार्टमेंट एज अ करप्ट डिपार्टमेंट? मिस्टर अंकित, आप खुद ही खड़े हैं, हमने नहीं बुलाया था, एक्सप्लेन कीजिए, आपका एफिडेविट है। एक्सप्लेन कीजिए सर। संबंधित पुलिस अधिकारी, आपके खिलाफ आरोप लगा हुआ है, आप आरोपी हैं, आपका इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है, पहले ये बताइए। पहले कानूनी रूप से बहस करेंगे सर, उसके बाद हम आप, चूंकि आप व्यक्तिगत रूप से इसमें इन्वॉल्व भी हैं, फिर तथ्यों पे आएंगे। पहले कानूनी रूप से बहस कीजिए, एक आरोपी को पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? सर मैंने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया सर, मैंने बस अगर आपको कानून नहीं समझ में आता तो सीधा सा बोल दीजिए, मुझे नहीं समझ में आता। कैन यू डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट इन अ पर्टिकुलर मैनर? क्या आप पुलिस अधिकारी को, विवेचना अधिकारी को एक पर्टिकुलर तरीके से विवेचना करने का निर्देश लेने के लिए अधिकारी हैं क्या? नहीं। फिर आप क्या कह रहे हैं कि मैं जितनी भी आवेदन देता हूं कोई सुनता नहीं है, इसलिए पुलिस विभाग भ्रष्ट है, ये आप कह रहे हो? पहले आप अपने कानूनी अधिकारों की बात कीजिए। कॉस्ट तो लगाऊंगा मैं इस पे सर, ये मजाक मत बनाइएगा। और अभी आपके वकील साहब ने कहा कि दैट योर मदर इन लॉ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। सर मेरी पत्नी ने फोन पे सर मुझे बताया, आपकी पत्नी ने फोन पे बताया था, केस कीजिएगा प्रोसिक्यूशन इसका भी। अब आप 4 महीने हुए नहीं जुमा शादी को और इस तरीके से लांछन लगाने पे उतर आए आप। सर मैंने लांछन नहीं लगाया ना, तो आप इसका भी ट्रायल फेस कीजिएगा। सबसे पहले तो ये बताइए, आपका इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने के कहां तक राइट्स हैं एक अक्यूज्ड के, उसका थोड़ा सा कानून बताएं मेरे को सर। जिस आधार पे आपने लिखा है कि आपके आवेदन पत्रों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए पूरा तंत्र भ्रष्ट है। पहले मुझे कानून बता दीजिए, फिर आपके कंक्लूजन को बाद में देखेंगे। आपसे कानून पूछा है, सीएम हेल्पलाइन नहीं पूछी है, और सीएम हेल्पलाइन का सीआरपीसी में क्या लीगल सेंटिटी है वो भी बता दीजिए। आप हाई कोर्ट में खड़े हैं ना, आप बता दीजिए कि सीआरपीसी में आप चाहे डीजीपी को कंप्लेंट करें, चाहे आप सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करें, आपके अधिकार क्या आ जाएंगे ये बता दो। नहीं मालूम, और पिटीशन में एफिडेविट पे आपने एक डिपार्टमेंट को भ्रष्ट घोषित कर दिया है। हाउ कैन यू डिफेम अपर द एंटायर डिपार्टमेंट? एक व्यक्ति विशेष की बात समझ में आती है कि साहब ये कारण है, आपने पुलिस विभाग को कहा है, तो आप पहले आप अपने अधिकार बताइए, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो बताइए सर, आपके एज एन एक्यूज आपके क्या अधिकार हैं टू इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन? अरे आपने इंस्ट्रक्शन दिया अपने साथी को, गाली गलौज आपने की अपने एफिडेविट पे। एफिडेविट किसका है? किसी और का होगा तो उस वो भी लपेटे में आ जाएगा सर। भारत सिंह चौहान कौन है, ये आपके पिताजी हैं? नहीं सर, हाँ लड़की के चाचा हैं सर। लड़की ने अपने चाचा पे एलिगेशन लगाए थे सर, ये दहेज की मांग वो करते थे सर। ये भारत सिंह चौहान के एफिडेविट पिटीशन में क्यों है सर? इनको भी आरोपी बनाया गया था सर। आरोपी बनाया गया तो हम भारत सिंह चौहान से भी पूछ लेंगे, चिंता नहीं करो, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश दे देंगे। आप मुझे ये बताइए कि एक अभियुक्त को इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने के अधिकार हैं तो किस प्रावधान में है और किस कानूनी जजमेंट या किस न्याय दृष्टांत के हिसाब से है, इतना बता दीजिए।
सर पता है तो बोलिए, नहीं पता है तो बोल दीजिए, हमें नहीं पता, समय मत बर्बाद कीजिए। सर मैं शिकायत करता था इसमें सर, सर शिकायत करता है, आप FIR क्वेश्चन कराने आए ना, कोई नोटिस आया उसको क्वेश्चन करना नहीं आया सर, किस बात के लिए आए सर? सर पुलिस की इलीगल एक्टिविटी के लिए सर। कौन सी इलीगल एक्टिविटी, कौन सी इलीगल एक्टिविटी? सर पेज नंबर 149 सर, 149 अनेक्षर, अनेक्षर सर 20 सर, 20 जी सर, अनेक्षर 20 जी सर। सर इसमें सर हमारे जांच में सर ये पाया गया सर कि तो क्या होगा, उसने कहा था मैं 12वीं पास हूँ फर्स्ट क्लास और आप वो निकली 10वीं पास, क्या होगा सर इसमें, अपराध बनेगा क्या? क्या बात कर रहे हो और आप यहाँ खड़े होके, कौन सा अपराध बनेगा सर? बताइए ना कौन सा अपराध बनेगा? आप तो मुंह नीचे करके क्यों खड़े हो जाते हो यार आप लोग, पिटीशन फाइल करने तक पूरे जोश रहता है, पिटीशन फाइल होने के बाद मुंह नीचे खड़े होकर करके खड़े हो जाते हो, कौन सा अपराध बनेगा? उन्होंने कहा था मैं 12वीं पास हूं, वो 10वीं पास निकले, कौन सा अपराध बनेगा भाई जो आप कह रहे हो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? आप कहते हैं रेस्पोंडेंट नंबर 6 को बर्खास्त कर दो, आप पहले अपनी तो जान बचा लो। आपका कहना है कि आपकी पत्नी ने कहा था मैं 12वीं पास हूं 10वीं पास निकली, इसलिए क्या डाइवोर्स का ये ग्राउंड है? फिर क्रिमिनल केस कैसे बन जाएगा श्रीमान जी? आपका अगर वो 10वीं पास है तो 420 कैसे बन जाएगी सर? श्रीमान जी तो बाद में देखेंगे, श्रीमान जी वही समझना चाह रहे हैं। सर रिस्पोंड नंबर 6 ने सर थाने पाइसा के अंदर इलीगल एक्टिविटी हुई है सर। मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी, आपने कहा है कि आपकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी शिकायत कार्रवाई के लायक है कि नहीं, तब आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आपका कुल आरोप यह है कि आपकी पत्नी ने कहा था वो 12वीं पास है जब वो निकली 10वीं पास, 420 का मुकदमा कैसे बनता है ये बताओ। उनको क्या पूछ रहे हो यार, आप भी तो वकील हो, गाली गलौज तो पिटीशन में आपने की हुई है, गवाही के तो अपना बहस के दौरान तो अपनी अपनी सास को भी प्रोस्टिट्यूशन के में ढकेल दिया आपने। सर मैंने नहीं ढकेला सर, अभी आपके वकील साहब ने कहा है, बोला है ना आपके सामने, पिटीशन हमने कहीं आपके सामने बोला है ना वकील साहब ने जी सर, मान लीजिए क्षमा आपके नहीं क्षमा नहीं, ये सब रिकॉर्डिंग चली रही है, दुनिया जानती है कि सब यूट्यूब के ऊपर शाम को चले जाते हैं, जबकि रूल्स में प्रोहिबिटेड है, उसके बाद भी ये सब चल रहा है। आपके वकील साहब ने क्या बोला है, किसी ना किसी ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब आप ये बोलिए कि अगर आपके वकील साहब ने आपके इंस्ट्रक्शन के खिलाफ बोला है तो मैं इनको भी नोटिस दे देता हूं। हाउ कैन यू असैसिनेट द कैरेक्टर ऑफ अ वुमेन? हाँ तो आपके वकील साहब ने अपने मन से बोला ना, वही तो कह रहा हूँ, बोल दो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, व्हाट इज योर स्टैंड? आपके सामने बोला गया है या नहीं बोला गया? नहीं बोला गया है तो मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग निकलवा लेता हूँ। बोला गया है कि नहीं बोला गया, सीधे हाँ या ना में जवाब दीजिए, समय मत बर्बाद कीजिए प्लीज सर। बोला गया कि नहीं बोला गया?
अरे हाँ या ना, आप बोला नहीं बोला गया तो हम आपको रिकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। बोला है सर। बोला गया आपके इंस्ट्रक्शन पे बोला गया कि अपने मन से बोला गया? तो स्वीकार कर लिया कि बोला गया है। अब आपके आपके इंस्ट्रक्शंस पे बोला गया है कि उन्होंने अपने मन से बोला है? बोलिए ना। मानिया इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया है मानिया। आपके इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया है बस इतने। आपके इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया मतलब आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे बोलने के लिए। वकील साहब अब आप भी तैयार हो जाइए। मैं निवेदन थी मुझे नहीं मालूम है हम जो नोटिस दे रहे हैं उसके बाद आप उसका बात सुन ले सर। मेरी बात सुनिए मैंने जो भी बोला इंस्ट्रक्शन पे ही बोला। लेकिन वकील साहब वकील साहब इन्होंने वकील साहब मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था प्रोसिक्यूशन का वो काम चला रहे हैं। वकील साहब सुनिए मेरी बात से पूछ लीजिए। मैं मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। और मैंने ये बोला सर सुन लीजिए उसमें जो एप्लीकेशन लगाई है। मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए अग्रवाल साहब जी सर। पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ सर अपने मन गणन तो बातें मत बनाया करें। जी बिल्कुल फैक्चुअल एस्पेक्ट्स जहाँ होते नहीं है वहां पे भी कहानियां बनाते हैं। और मैं बार बार कह रहा था कि अगर पक्षकार ने आपसे मुंह मोड़ लिया आपको कंटेंप्ट के नोटिस से कौन बचाएगा? ये सुन लीजिए सुन लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ अभी परसों नर्सों भी एक सज्जन को बोला है राइट अब आपके सामने धड़कन आपकी बढ़ गई। सुनिए नहीं बढ़ी फिर क्यों खबर आ रहे हो आप? वैसा नहीं सर सुन लीजिए जब आप लोग बिना इंस्ट्रक्शन पे अपने मन से झूठ बोलते हैं यहाँ पे और पक्षकार जब आपसे किनारा कर लेता है तो आपको कौन बचाएगा? और आपके सामने आपका पक्षकार आपसे किनारा कर रहा है। माननीय न्यायालय मैंने माननीय न्यायालय नहीं आप ही आपने कहा कि आपके इंस्ट्रक्शंस के बगैर बोला मैंने बोला था मैंने आपने इंस्ट्रक्शंस दिए थे मैंने इंस्ट्रक्शन ये दिए थे कि जो एप्लीकेशन में लिखा है सर मैंने वो बताया था शायद समझने में भूल हो गई होगी उनके समझने में भूल हो गई और लाइव टेलीकास्ट में महिला का करेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है और आपने जो उनको बताया वो उनकी बहस करने के बाद है। जब मैंने पूछा कहां लिखा है पिटीशन में उन्होंने अपने मन से बोला था उस समय मैंने नहीं कहा था मान लिया पिटीशन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम यार सुनो इसकी पूरी रिकॉर्डिंग निकाल लेना पूरी प्रोसीडिंग्स की Now I will deal with each and every aspect. Mr. Agarwal, now your petitioner is standing by your side. मैंने कहीं petition में लिखा नहीं है इन्होंने अपने मन से बोल दिया Whatever it is, now be ready for the consequences also. How can you assassinate the character of a woman? How can you assassinate the character of a woman and how can you assassinate the character of the department? By branding them, it is a corrupt department. वो भी छोड़ दीजिए आपकी पत्नी ने ये बताया मैं 12वीं पास हूं और 10वीं पास निकली 420 का मुकदमा बनता है पहले आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए जिसके पीछे आपने बड़ी हायतोबा मचा रखी हुई है 420 का मुकदमा बनेगा कि नहीं बनेगा कैसे बनेगा ये बता आप 149 इसको जस्टिफाई कर दीजिए क्योंकि इसी कारण से आप पुलिस विभाग को करप्ट बोल रहे हो। माननीय न्यायालय नहीं सिर्फ मुझे बताइए 420 ही बनता है कि नहीं बनता ये बताओ और कैसे बनता है ये बताओ तो बस इतना सा तो आप पूछ रहा हूं
पहले ये आरोप 420 बनता है कि नहीं बनता, इतना पूछ रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि आरोप सही है कि गलत है, मैं कह रहा हूं मान लिया, क्योंकि ये स्कोप जिस स्टेज के ऊपर पिटीशन है हमको मानना पड़ेगा जो भी आरोप है सही है, ठीक है ना। तो मेरी कोई फाइंडिंग नहीं है। अब बाप अगर पत्नी ने कहा मैं 12वीं पास हूँ निकली 10वीं पास, तो वो 420 का मुकदमा बनता है और आपकी पत्नी का प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, ये आपका कहना है। इसलिए बताइए कि मैं कैसे कहूँ कि हाँ 420 बनता है माननीय न्यायालय, क्योंकि मुझे धोखे में रखा गया माननीय न्यायालय। हाँ हाँ, धोखे का मतलब क्या हो गया, कानून की किताब निकालो, ये आप ये आम आदमी की तरह सड़क पे चलते हुए बातें मत कीजिए। 420 का डेफिनेशन 419 में होगी या 415 में होगी, जिसमें भी होगी, देखिए पढ़ा कभी आपने? आपने पढ़ा है धोखा होता क्या है कानूनी रूप से, पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। राह चलते व्यक्तियों के मन में जो धोखे की डेफिनेशन, उसके ऊपर पिटीशन लेके आ गए लेमैन की तरह, ये आपका कहना है? प्लीज जस्टिफाई सर, डोंट नॉट डोंट वेट वेस्ट माय टाइम, प्लीज टेक आउट आईपीसी, अग्रवाल साहब इनको आईपीसी दे दीजिए। मुझे कहां से पता चलना था ये एडवोकेट है? पिटीशन नंबर 3 में क्या लिखा है, व्यवसाय अधिवक्ता, वहीं से तो पता चला है मेरे को। पता ही है सर 420 का मुकदमा कैसे बनता है उस पर। चलिए अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपके अधिवक्ता महोदय की वो ले लेते हैं। अभी आप हर जगह के ऊपर अपने आप को बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर में अधिवक्ता लिख रखा हुआ है। आप इनका कहना अग्रवाल साहब कि आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है, तो क्या करते क्या हुआ आप? अरे अरे सुन रुक जाओ, आप करते क्या हो सर? सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी प्रैक्टिस, सर मेरी इतनी केस नहीं है स्वयं के। सर आपके पास कोई केस नहीं है? बहुत कम केस है सर, गिने चुने। तो वो आपको केसेस, आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं हो ऐसा अग्रवाल साहब ने कहा था। आपका जीविका के लिए क्या है सर साधन आय का? सर कुछ नहीं है सर, इतनी बस। आपके पास जीविका का कोई साधन नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है? नहीं सर, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं है। कितने मुकदमे आपके पास? सर 2-3 होंगे सर। मात्र 2-3? जी सर। और अगर आपकी पत्नी ये कहे कि मुझे बताया था मैं बहुत बढ़िया एडवोकेट हूँ, शादी करा ली मेरे साथ, तो? सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। कुछ नहीं बताया ना? जी सर, मैंने यही बताया। आपके पास मात्र 2-3 है और आप बड़ी जोर शोर से अपने आप को हर जगह पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आई एम एन एडवोकेट। जब हम आपसे मात्र लीगल प्रश्न पूछते हैं तो आप कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम। तो वो जो तो 2-3 मुकदमे के पक्षकार भी अगर ये सुन लेंगे, बेचारों के दिल पे क्या बीतेगी? धोखाधड़ी कैसे होती है अग्रवाल साहब, अब आप बता दो। चलिए अभी इनसे तो ठीक है, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं सर। वेदर इट इज अ वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज और अ गुड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, 3 प्रश्न है अग्रवाल साहब। वेदर इट इज अ वॉइड मैरिज सर, हिंदू मैरिज एक्ट भी दे दीजिए। सेक्शन 5 सर। हाँ अपन समझ रहे हैं ना सर।
अरे उन्हीं को तो मुझे नहीं दो। सर बताएं वेदर वेदर दिस सच टाइप ऑफ मैरिज वेयर देयर इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन विद रिगार्ड टू द क्वालिफिकेशन इज हेड बाय सेक्शन 5 नहीं सर नहीं वाइड मैरिज कौन सी होती है सर सेक्शन इलेवन और सेक्शन 12 जी वो वाइड मैरिजेस होंगी और सेक्शन 11 वाइडेबल मैरिजेस होगा अब जरा ये बता दीजिए सर ये वेदर इट इज अ वाइड जब सेक्शन 5 ही नहीं हिट हो रहा है तो 11 और 12 में आएगा नहीं अब 13 पे आ जाइए सर कैन इट बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स इवन नो सर है एक्चुअली इट इज हार्ड टू प्रूव है सर एक्चुअली देयर कैन बी अ ग्राउंड बट इट इज नॉट इट कैन नॉट बी प्रूव्ड How it can be a ground for divorce ये बताओ मेरे को under which provision of law section 13 के कौन से provision में आएगा सर hard to prove तो एक अलग बात हो जाती है सर किसी भी केस करे तो एक अलग हो जाता है section 13 में किस में आएगा सर ये बता दीजिए ना तो ये वाइड मैरिज है ना वाइडेबल है ना ये डाइवोर्स का ग्राउंड है ऐसा आपका मानना है क्या नहीं क्या मतलब हाँ क्या मतलब ग्राउंड है क्या डाइवोर्स नहीं ग्राउंड नहीं है ग्राउंड नहीं है आप धारा 415 पे आ जाएं सर CIPC वाइड डिसीविंग जी थोड़ा सा पढ़ दीजिए सर Whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person. तो ये अंकित चौहान जी property है क्या? हाँ? और deceive करने का मतलब क्या होता है sir? Otherwise he is not liable to hand it over. Section 5 का violation होता, section 13 में कहीं cover हो रहा होता तो समझ में आता है. किस बात को धोखाधड़ी धोखाधड़ी के नाम के ऊपर रोना मचाए हुए हैं अंकित जी अरे अभी आपसे नहीं पूछ रहे हैं वो अग्रवाल जी ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया और आपने भी अपने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आपके पास कोई केसेस नहीं है अग्रवाल जी का कहना है कि आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं हो और आपका कहना है कि हमारे पास तो जीवन यापन का कोई साधन भी नहीं है और हर जगह के ऊपर आप बड़ा बड़ा अधिवक्ता लिख के अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो अगर आप मुझे परमिशन करें मैं कुछ बोल दूं हाँ बताएं ना सर एक्चुअली ये केस सोच के रखिएगा सर ये अगर डिसओन कर गए तो अब तो मैं नोटिस पकड़ा ही दूंगा बिल्कुल अब तो मैं नोटिस पकड़ा ही दूंगा एक्चुअली इस केस का जो ग्रीवियंस ये था कि जो 149 जो पेज है सर उसमें जो इनकी जो कंप्लेंट इनके खिलाफ 420 का एक मैंने शिकायत करी उसकी जांच की जाए और आगे की कार्रवाई की जाए तो जो पेज 149 पे जो कागज लगा है सर उसमें जो थाना प्रभारी साहब हैं उन्होंने ये लिखा कि जांच पे कोई अपराध घटित होना नहीं पाएगा मैंने आप ही से तो पूछ रहा हूँ जी पूछ तो रहा हूँ आप ही बता दो आपने उस जांच अधिकारी को भ्रष्ट बोला है
उसको नौकरी से निकाल देने तक का आपने रिलीफ मांगी है। अब इनका जो ग्रीवांस, अरे उनका ग्रीवांस कुछ भी होगा, इस लेटर के माध्यम से जो कुछ भी होगा, आप मुझे कानून बताइए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने खुद एडमिट किया कि सेक्शन 5 से कोई हिट नहीं होता है, सेक्शन 10 में चूंकि 5 से हिट नहीं होता, 10 और 11 में आता नहीं है, चाइल्ड मैरिज है नहीं, चाइल्ड मैरिज नहीं है, राइट। अब आप दूसरा ये बताइए कि आप सेक्शन 13 में आते नहीं है, तो मैरिज रिलेटेड और कौन से प्रोविजन है सर? हिंदू मैरिज एक्ट ही तो है, किसी से भी आप कवर्ड नहीं है, और उस जांच अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया जाए कि रिलीफ लेके आए हो, ये कहते हुए कि पुलिस विभाग भ्रष्ट है और वरिष्ठ अधिकारियों को कनिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में बहुत डर लगता है, तो वरिष्ठ अधिकारियों पे भी आरोप लगाए हैं, कनिष्ठ पे भी लगाए हैं, एक को तो नौकरी से निकाल देना है, और बता दो कैसे निकाल देना है सर, वही तो पूछ रहा हूँ। अब ये जो शिकायत हुई है सर, इसमें एक बात और आई थी कि जिस तारीख को 498 का नोटिस इनको मिला था, और जब ये थाने में, इनका कहना है 498 से कोई डर नहीं लगता। जी सर, हम 498 की बात क्यों करें सर, कैरेक्टर असैसिनेशन तक पहुंच गए, डिपार्टमेंट के कैरेक्टर असैसिनेशन, रेपुटेशन असैसिनेशन तक पहुंच गए, और जब पूछा कि अपराध बता दो तो चुप हो गए। अब उनका इनका ये कहना है सर कि उस तारीख को थाने में कुछ ऐसी, मिस्टर 498A के बारे में कोई पिटीशन नहीं है, 498A की बात नहीं कर, बस बस शांति रखिए, आप अपनी पिटीशन तक कन्फाइन कीजिए, जिस कारण से आपने पुलिस, पूरे पुलिस विभाग को भ्रष्ट बोला है, वरिष्ठ अधिकारियों को नाकाम, नाकाबलियत बोला है, एक जांच अधिकारी को नौकरी से निकाल देने के लिए रिलीफ मांगी है, ये कहते हुए कि 149 के ऊपर कहा गया है कि कोई अपराध नहीं बनता है, तो मैं वही तो इतनी देर से पूछ रहा हूँ, कौन सा बनता है बता दो सर। एक तो ये पिटीशन जाएगी विद कॉस्ट एंड विद लिबर्टी टू हिज मदर इन लॉ एज वेल एज द पुलिस डिपार्टमेंट टू फाइल अ केस फॉर डिफेमेशन इफ दे सो डिजायर। नहीं नहीं सॉरी, मेरी आप मुझे बताइए, मेरे खिलाफ कुछ लिखा है क्या जो मैं आपको माफ करूं? नहीं नहीं सर, नहीं लिखा ना। अब आपने अपनी मदर इन लॉ के खिलाफ ये बोला है कि दैट शी इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन, अब आप एक महिला के करेक्टर असैसिनेशन के ऊपर इससे ज्यादा गंभीर आरोप क्या लगा सकते हैं ये बता दीजिए। माननीय न्यायालय छोड़ दीजिए, मैं लिबर्टी दे रहा हूँ, मैं लिबर्टी दे रहा हूं, और पूरा पुलिस विभाग भ्रष्ट है, वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठों से डरते हैं, सीएम हेल्पलाइन की बात सुनते नहीं है, उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए, और जब पूछा कि अपराध कैसे बनता है तो आप लोग कह रहे नहीं बनता है, तो इतना ही है, पोस्ट के साथ ये जाएगी विद लिबर्टी टू द पुलिस डिपार्टमेंट इफ दे सो डिजायर, दे मे प्रोसीड फॉर योर prosecution and with similar with liberty to his mother-in-law that she can proceed for her prosecution, for their prosecution. नहीं सर, मेरे खिलाफ क्या बोला आपने जो मैं आपको क्षमा कर दूं? मेरा अरे अग्रवाल साहब, आप ही के सामने, आप ही का पक्षकार कह रहा है कि हमने ये तो बोला ही नहीं था इनको इंस्ट्रक्शंस, आप तो अभी अपनी जान बचा रहे हो, नहीं नहीं सर, उसमें भी चिंता नहीं है। चले साहब, मैं पूरी रिकॉर्डिंग देख के एक एक वर्ड लिखूंगा। मैं ये नहीं डिनाई कर रहा कि मैंने नहीं बोला सर, मैंने तो बोला, मैं आपको बोला, लेकिन मेरा जो मैं आपको नोटिस दे ही नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं सर, मेरा मैंने आपको सिर्फ इसलिए एक लाइव एग्जाम्पल दिया था कि आप लोग जो अपने पक्षकारों के लिए झूठ बोलते हो भरी कोर्ट में, तो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि अगर पक्षकार ने आपसे मुंह मोड़ लिया तो आपको सीधा कंटेम्प्ट नोटिस मिलने वाला है, आप लोग कह रहे थे कोर्ट फालतू की बातें करती हैं, क्योंकि कौन हमारा पक्षकार हमारा मुंह मोड़ेगा, आपके सामने और आपके साथियों के सामने पक्षकार ने अपने वकील से मुंह मोड़ लिया। अभी भी अगर आप लोगों को और आपके साथियों को ना समझ में आए तो आप लोग जाने सर, और ये चीज अभी मैंने परसों या नरसों ही बोली है, लास्ट वर्किंग डे या उससे एक या तो पिछले हफ्ते, सज्जन SDM के खिलाफ आरोप लगा रहे थे, पर जब कहा कि एफिडेविट दे दो तो खिसक लिए।
मैं आप लोग अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में ना समझ में भैया, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग तो मैं एक एक वर्ड लिखूंगा इसमें। चलो माफी चाहूंगा और इसकी आई डोंट नो इनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा सर, एक्चुअली 7831 मैंने इनको बहुत मौका दे दिया सर, आपको भी मौका दे दिया है। नहीं मेरे से माफी मांग के क्या करोगे यार सर, आपने क्या मेरे खिलाफ लिखा पिटीशन में, तो मैं कैसे माफ कर दूं? आपने इनको बेइज्जती दूसरे विभाग की है, उसकी मैं जिम्मेदारी कैसे ले लूं? क्या मैं डीजीपी हूं क्या, या मैं कोई सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट हूं जो इनका एम्प्लॉयर हूं? मान्यालय में पिटीशन वापस लेना चाहते हैं? हम तो नहीं देंगे, वापस ना करने देंगे, हम आपको पिटीशन वापस नहीं लेने देंगे। एक महिला की इज्जत की छीछा लेदर की गई है, उसके लिए माफ वो कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। पुलिस विभाग की छीछा लेदर आपने की है, वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। इसलिए उन लोगों को लिबर्टी दे दूंगा, वो चाहें तो आप लोगों का प्रोसिक्यूशन करें, ना चाहें ना करें। 7831 अगर आप चाहते हो जी, आपके सामने है, पूरा रिकॉर्डेड है, नहीं, पूरा रिकॉर्डेड है कि इन्होंने आपको परमिशन नहीं, इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे। पूरा रिकॉर्डेड है कि पूरी पिटीशन में ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है, इन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए आपकी बहस करने के बाद दिए गए। आपने शुरुआत की थी एलिगेशन, ऐसा नहीं, महिला ने मुझसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मत बोलिए अब। नहीं साहब ये पूछ रहे हैं कि क्या, नहीं मैं आप कुछ नहीं बोल रहा, प्लीज अलाउ मी टू डिक्टेट द ऑर्डर। पिछले 1.5 साल से लगातार बोल रहा हूँ कि पक्षकार के लिए बिना किसी फाउंडेशन के आप लोग फैक्चुअल एस्पेक्ट पे झूठ बोलते हो, और अगर आपका पक्षकार आपसे मुकर गया तो आपको कौन बचाएगा? आप लोगों को समझ में नहीं आया, आज मैं आप लोगों को हाईलाइट आपके सामने लाइव एग्जांपल दे दिया कि आपने कुछ बोला और आपके पक्षकार ने आपसे मुंह मोड़ लिया। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कितना बड़ी आग से खेल रहे हो। मैं 1.5 साल से बोल रहा हूँ, दैट इज द डिफिकल्टी, व्हेन यू पीपल फाइंड योरसेल्फ इन अ डिफिकल्टी देन ओनली यू लर्न द लेसन। नहीं सर, लेकिन ऐसा मेरे साथ मैंने ऐसा कभी, मैंने आपसे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। When I am saying for the last 1.5 year, ये साहब अपने पक्षकार के लिए कोई तथ्यात्मक बात गलत मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, जिसके लिए उसका एफिडेविट नहीं है, क्योंकि तो अगर उसने आपसे मुंह मोड़ लिया तो आपको गलत बयानी में आप तकलीफ में आ जाओगे। आप लोग नहीं सुधर रहे हो, अब आपका लाइव एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। अब आप ये बताइए अग्रवाल साहब, आर यू नॉट फीलिंग बैड बिकॉज ही टुक अ समरसॉल्ट? के साहब मैंने तो ऐसा ना तो एफिडेविट में दिया ना ऐसा किया। मैं 1.5 साल से यहां पे आप लोगों की सुरक्षा के लिए बोलता रहा, आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ था उसका। व्हाई यू आर अफ्रेड ऑफ द एक्शन? Don't you think that assassinating the character of a lady can be allowed in such a casual manner? और अब ये जाके कुछ भी बोल रहे हैं? Don't you have a right of self-restraint? आपको मुंह कहां बंद रखना है, ये आपको समझ में नहीं आता क्या? कुछ भी बोलेंगे, can it be a defense? What was the bona fide belief to rely on that she is involved in such type of activities? Nahi samajh mein aata to main kya karu? I will pass the order, sir. I will keep it, please remember, you know. Sir, takleef is baat ki hai ki 1.5 saal tak aap logon ne kuch nahi kiya, ulta mazak banaya aur corridor mein hangama machaya. मैंने अपना पूरा, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, पर मैंने इतना, चले एक जन ने तो लेसन सीखा जब आप लोगों से बोला गया कि आप लोग अपने फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को वहीं तक कन्फाइन रखिए जो कि एफिडेविट पे हैं। आप लोगों ने कॉरिडोर में हंगामे खड़े किए,
किए कि नहीं किए सर? और आज ये बताइए, एज ए लॉयर जब आप एक डोल्ड्रम्स में आ गए हैं, तो वेदर माय सजेशन वाज करेक्ट और नॉट, एंड इफ माय सजेशन वाज रॉन्ग देन व्हाई यू आर अफ्रेड ऑफ फेसिंग द म्यूजिक? वैन तो रिकॉर्डिंग की कोई जरूरत नहीं है, देख लेंगे सर। आई विल पास अ डिटेल ऑर्डर, आई विल नॉट अलाउ यू टू विदड्रॉ, एंड अल्टीमेटली petition will be dismissed with heavy cost with liberty to both the department as well as his mother-in-law to take action if they so desire. Sir, मैं सिर्फ एक प्रार्थना कर सकता हूँ, आप बताए ना सर, क्योंकि मेरा निवेदन है सर कि ये किसी का भी character assassination कर दें तो मैं कौन होता हूँ माफी देने वाला? अगर आपने मेरे ऊपर बोला होता, I could have thought. मैं कौन होता हूँ? नहीं सर, इनको तो नहीं सर, सॉरी, एक बार सर, ये नहीं, या तो पुलिस विभाग इनको माफ करेगा या इनके सास इनको माफ करेंगे, मैं नहीं होता सर। अच्छा सर, आपको क्या पता? नहीं सर, अग्रवाल साहब, नाउ आई थिंक दैट एवरीथिंग वाज डन, एवरीथिंग वाज स्पोकन विद कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड, बी रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो। अगर आपको खुद बचने पे भी प्रसन्नता नहीं है, मैं ठीक है, नाउ बी रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। नहीं सर, मैं बी रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। सर हो गया, आई विल पास द ऑर्डर, आई विल नॉट अलाउ यू टू विदड्रॉ इट। आपका कुल कहना था कि 149 में जो फाइंडिंग है वो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, हमारे साथ हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, इसलिए अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया जाए। वरिष्ठ अधिकारी सब डरपोक है, पूरा तंत्र भ्रष्ट है, ये आपके आरोप हैं पिटीशन में, मैं नहीं कह रहा हूं, और यही सब मैं अभी नया अधिवक्ता हूँ माननीय न्यायालय। क्या है? नया अधिवक्ता हूँ माननीय न्यायालय। नहीं, अधिवक्ता से मतलब नहीं है मुझे, किसी आरोप क्यों अपराध करने का क्या क्या नया और पुराने से क्या मतलब होता है? पहली गलती समझ के माफ कर दिया। नहीं, गलती नहीं सर, कोई एक आदमी मर्डर कर दिया, क्या ये उसके लिए डिफेंस है कि मैंने पहला मर्डर किया है इसलिए मुझे माफ कर दो? एक आदमी कोई चोरी कर दे तो ये कह सकता है कि मेरा पहले चोरी है इसलिए माफ कर दो? माननीय न्यायालय, मैंने कलेक्टर पे सर, आई हैव ऑलरेडी क्लोज द ऑर्डर।